हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जीआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। सो इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। यहाँ पर राइट जो बेनेडिक्ट एंडरसन का क्या होगा, तो बेनेडिक्ट एंडरसन का होगा बेनेडिक्ट इमेजिन कम्युनिटीज़। और इमेजिन कम्युनिटीज़ के साथ साथ अगर आप देखो तो उन्हें बेसिकली क्रिटिक किसने किया है, तो उनको क्रिटिक किया था पार्था चटर्जी ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ कॉमन मेंबर ऑफ सार्क एंड बिम्स्टेक। भूटान, श्रीलंका, नेपाल एंड अफगानिस्तान, निम्नलिखित देशों में से कौन सा सार्क और बिम्स्टेक दोनों का एक सामान्य सदस्य नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखो, जब हम बात करते हैं सार्क की, है ना, तो सार्क का बेसिकली हो जाता है, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखकर बता देती हूँ, ठीक है। सार्क की अब हमारी ट्रिक जो है वो है एमबीबीएस करने वाले बेचारे पेन में है, एमबीबीएस पेन। ठीक है, और इसकी बिम्स्टेक वाले की है एमबीबीएस टिन। एमबीबीएस लिखा है वहीं से टिन, यहां पर टिन लिख दे रही हूं मैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सार्क है, सार्क की कंट्रीज आ जाती है आपकी ये वाली, ठीक है, एमबीबीएस पेन वाली, और बिम्स्टेक की एमबीबीएस टिन वाली। इसमें बेसिकली आप लोगों का अफगानिस्तान नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? अफगानिस्तान। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज अफगानिस्तान। बाकी भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है। सार्क की स्थापना हुई थी आपकी 1985 में, 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में। बिम्स्टेक की स्थापना जो हुई थी, तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई, 1997 में, और इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में है, ठीक है। तो ध्यान रखना, और इसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कॉइन किया था टोटल रेवोल्यूशन को? तो संपूर्ण क्रांति की जो अवधारणा है वो बेसिकली किसने गढ़ी थी? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस या ई.वी. रामास्वामी पेरियार। राइट आंसर इज जय प्रकाश नारायण। टोटल रेवोल्यूशन जो था बेसिकली, तो ये 1974 आप लोगों को याद होगा, जय प्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है। इसके अंदर जो ये था बेसिकली, इसमें आप देखो इंदिरा गांधी के खिलाफ था, है ना, इंदिरा गांधी यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। द नोशन ऑफ द चेंजिंग द कंटेक्स्ट सराउंडिंग द टेक्स्ट अ सेट ऑफ सिंबल्स चेंजिंग द टेक्स्ट मीनिंग अंडरलाइन विच पोस्ट मॉडर्न डिस्कर्सिव प्रैक्टिस। एक पाठ के आसपास के संदर्भ को बदलने वाली धारणा पाठ के अर्थ को बदल देती है, उत्तर आधुनिक विवेकपूर्ण अभ्यास करते हैं। तो ये किससे रिलेटेड? डी कंस्ट्रक्शन, डिलेयरिंग, पावर या सिमुलेक्रा, ऐसे करके कुछ है। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा डिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये बेसिकली जो पोस्ट मॉडर्न है, जो नोशन है चेंजिंग द कंटेक्स्ट सराउंडिंग अ टेक्स्ट चेंजेस द टेक्स्ट मीनिंग अंडरलाइन विच पोस्ट मॉडर्न डिस्कर्सिव प्रैक्टिस, यहाँ पर राइट आंसर डी फॉर डेरिडा एंड डी फॉर डिकंस्ट्रक्शन। वेरी गुड। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द टर्म वेव इन हंटिंगटन, थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, ये ब्रॉडली रेफर करती हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, ट्रांजिशन को, ट्रिबुलेंस को या टेक्टोनिक शिफ्ट को। तो हंटिंगटन ने टोटल कितनी वेव्स बताई? थ्री वेव्स बताई थी, है ना। फर्स्ट वाली वेव में कौन आती है? डेवलप कंट्री, यूके, यूएसए वाली। सेकंड वेव में इंडिया आ जाता है, और थर्ड वेव में लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज। तो ये ध्यान रखना, तो ये बेसिकली कौन सा वर्ड यूज़ करती हैं? ये ट्रांजिशन वर्ड को यूज़ करते हैं। कौन से वर्ड को यूज़ किया इन्होंने? ट्रांजिशन वर्ड। तो ये ध्यान रखना, ट्रांजिशन इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामदान जो कमेटी है बेसिकली, है ना, रामदान कमेटी एसोसिएटेड है किससे? स्टेट ऑफ शेड्यूल ट्राइब से, ट्राइबल राइट से, फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ या PRI से, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और या डिसाइड करना क्राइटेरिया एक्सक्लूडिंग द क्रीमी लेयर फ्रॉम OBC। राइट आंसर देखो, रामदान कमेटी आपकी बेसिकली हो जाएगी किससे? OBC से, है ना। पहली कमेटी थी ना ये रामनंदन कमेटी, ये ध्यान रखना, रामनंदन कमेटी ये OBC से रिलेटेड थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया अंडर इंदिरा गांधी
फुल्ली सपोर्टेड द कॉज ऑफ बांग्लादेशीज एंड इट्स ट्रूप्स एंड रिक्वायरमेंट्स वर यूज टू फाइट द पाकिस्तानी फोर्सेज. द इंडियन आर्मी ऑल्सो गेव फुल सपोर्ट, है ना, इन्होंने फुल सपोर्ट दिया था बांग्लादेशी गुरिल्ला वॉर फोर्स को. तो ये चित्तौड़गढ़ लिबरेशन आर्मी थी, बांग्ला लिबरेशन फोर्स था, शक्ति बहिनी थी, मुक्ति बहिनी थी. इंदिरा गांधी के अधीन भारत ने बांग्लादेशियों के कारण का पूरा समर्थन किया और पाकिस्तानी सेना से लड़ने के लिए अपने सैनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया. तो भारतीय सेना ने मुख्य बांग्लादेशी गुरिल्ला वॉर का पूरा समर्थन दिया था. तो बेसिकली इसे किस नाम से जाना जाता है, मुक्ति बहिनी से. किस नाम से, मुक्ति बहिनी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो द प्रिंसिपल है जो कंसर्न करता है प्रोविंशन ऑफ ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो इसको रिकमेंड किया था किसने, भारत के समेकित कोष से दी राज्य को दी जाने वाली सहायता के प्रावधानों से संबंधित सिद्धांतों की सिफारिश निम्नानुसार है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्लानिंग कमीशन, पब्लिक अकाउंट कमेटी या फाइनेंस कमीशन. यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका फाइनेंस कमीशन. जो प्रिंसिपल है कंसर्न करता है प्रोविजन ऑफ ग्रांट्स इन एड ऑफ टू द स्टेट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो ये रिकमेंड किया था फाइनेंस कमीशन. किसने कहा था कि भारत माता इज द बेसिस ऑफ आर नेशनैलिटी, नॉट जस्ट इंडिया. इफ यू डिलीट द वर्ड माता, इंडिया विल बिकम द पीस ऑफ लैंड ओनली. किसने कहा था, भारत ही नहीं बल्कि भारत माता हमारी राष्ट्रीयता का आधार है. यदि आप माता शब्द हटा देते हैं तो भारत केवल भूमि का टुकड़ा बनकर रह जाएगा. शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक या दीनदयाल उपाध्याय. राइट आंसर इज दीनदयाल उपाध्याय. दीनदयाल उपाध्याय से रिलेटेड क्या क्या है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, आरएसएस के लीडर थे, है ना, आरएसएस के से जुड़े हुए थे भाई, है ना, तो ये ध्यान रखना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थॉमस एक्विन्स मैन अल्टीमेट हैप्पीनेस कंसिस्ट करता है इकोनॉमिक प्लेजर को, लविंग डिजायर्स को, मोरल वैल्यूज को या कंटेम्पलेटिंग गॉड को. थॉमस एक्विन्स के अनुसार मनुष्य की अंतिम खुशी शामिल है इमोशनल प्लेजर, सम लविंग डिजायर्स, ठीक है, मोरल वैल्यूज और कंटेम्पलेटिंग गॉड. ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा कंटेम्पलेटिंग गॉड. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इन इंटरनेशनल रिलेशन, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे, इन इंटरनेशनल रिलेशन पोस्ट मॉडर्निस्ट करेक्टराइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. एक रेंज ऑफ चैलेंज जो अजप्शन करता है मॉडर्निटी को, यानी आधुनिकता की मान्यता को चुनौती देते हैं. ये प्रेजेंट करते हैं ऑल एम्बेरेसिंग एक्सप्लेनेशन को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. ये परस्यूड करते हैं पॉलिसी मेकर्स को अडॉप्ट करने के लिए मोरल रैशनल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, अ प्रोग्राम ऑफ कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म टू मेक द वर्ल्ड मच हैप्पियर प्लेस, है ना. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ये देखो पहला ही आपको बिल्कुल ठीक है. पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या करते हैं, मॉडर्निटी को क्रिटिक करते हैं, है ना. चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेबिलिटी या प्रिडिक्टेबिलिटी. कौन सा आवश्यक घटक नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस का. राइट आंसर इज कम्युनिकेबिलिटी. तो ये ध्यान रखना, ये संचार उससे कुछ हो जाएगी. चलो अब आपको ना ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कि बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन. प्लेटो का क्रिटो, एरिस्टोटल का मेटाफिजिक्स एंड थियोलॉजी, मैकियावेली का डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग और हॉब्स का डिसीव. ठीक है, इसके अलावा मेरी डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेज एन अकेडमी पे हो रही हैं और रैपिड रिवीजन कोर्स चल रहा है 11 AM, स्पेशल क्लास 4 PM हो रही है, वॉरियर टेस्ट शेड्यूल कर दिया गया है, ये होगा. ठीक है, अगर आप में से कोई बच्चा अनअकैडमी ऐप यहाँ पर करता है डाउनलोड तो यूज़ करना मीनाक्षी लाइव. ठीक है, और प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो. स्पेशल क्लासेस अभी चल रही हैं रिवीजन सीरीज MCQs पर 4 PM, मॉक टेस्ट पॉलिटिकल साइंस पर संडे वेडनेसडे 8 PM. ठीक है, प्रैक्टिस एंटिल यू मास्टरेट वीकली वुल मॉक टेस्ट हो रहे हैं और प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. यूज़ क्या करोगे, मीनाक्षी लाइव यूज़ करोगे. ठीक है, मीनाक्षी लाइव यूज़ करना तो आप लोगों को मिलेगा 10% का डिस्काउंट. एंड ज़रूर आएँ अनअकैडमी पे. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय टू ऑल. थैंक यू.